गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते जी, नमस्कार, कैसे हैं सभी? आ जाइए फटाफट, आज मंडे है और रात के 9 बज चुके हैं और आज आपकी बहुत ही आपके कहने पर जो टॉपिक आप चाहते थे बहुत दिनों से मेरे पास, एक बार साउंड ठीक है क्या? एक बार प्रॉपर साउंड चेक कर लेंगे सब लोग। साउंड ठीक है? राजन बाबू, संदीप, स्नेहा, प्रियंका, यार कमोन, एक बार यार, जब क्लास शुरू कर रही हूँ आपने जो कहा वही टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, तो एक बार थम्स अप तो भेज दो कि मैम साउंड ओके है, नहीं है? ओके है, पक्का? ठीक है, प्रॉपर, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। ये नहीं पूछा साउंड मस्त है, ये पूछा है कि ठीक है आवाज़ आ रही है, पता लगे हम पढ़ाना शुरू करें तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा कुछ हो नहीं है? ऑल ओके, ऑल सेट, आ गए सब लोग? और जो लेट आएंगे उनको क्या करा जाए, उन्हें तो फिर सजा वगैरह मिलनी चाहिए। चलो जी, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा आर्टिकल। आपने बहुत बार, बहुत वीडियोस जो मैं ग्रामर की लेती हूँ उसमें ये कहा, मैम एक बार आर्टिकल भी बेसिक से समझा दीजिए, जैसे मैंने अदर टॉपिक्स का बेसिक्स आपको यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर करवाया है, इसी तरह शायद आर्टिकल का नहीं करवाया होगा। तो इसलिए बहुत सारे मैसेजेस मेरी वीडियोज़ के नीचे हैं, मैम आर्टिकल का भी करवा दीजिए, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर जो कन्फ्यूज़न का ना भंडार है पूरा, है ना, लगता है तुम्हें भी? अच्छा मैं आपसे पूछूं आर्टिकल क्या होते हैं, तो डेफिनेटली आप आंसर दे देंगे ए ऑन द आर्टिकल होते हैं, ए एन द आर्टिकल होते हैं, है ना, होते तो यही हैं आर्टिकल, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको समझ नहीं आता कहाँ पर ए एन लगना है, कहीं पर द लगना है, कहीं पर लगना ही नहीं है, तो बहुत सारे झंझट से आज छुटकारा मिल जाएगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए मैम पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि हम सब आ चुके हैं। ठीक है जी, आर्टिकल शुरू करें, चैप्टर आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होते हैं तो आपके दिमाग से तुरंत आंसर आएगा कि ये होते हैं, है ना, अ, एन, अन और द, इन्हें आप आर्टिकल कहते हैं, है ना जी। पर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं, मैं आपसे पूछूँ टाइप्स नहीं पूछा मैंने आर्टिकल की, मैंने आपसे पूछा होते क्या हैं। भाई जो भी आप टॉपिक पढ़ें, चाहे नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, व्हाटएवर, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका बेसिक्स कि एक्चुअली ये सेंटेंस के अंदर लगाया कहाँ जाता है। भाई जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बने हैं या पूरी भाषा का प्रयोग एक सेंटेंस के ऊपर निकालना है तुम्हें, है ना, उसी में से एरर पूछना है, उसने इम्प्रूवमेंट पूछना है, उसी का फिल इन द ब्लैंक पूछ लेना, तो इसका मतलब सारा ज्ञान एक सेंटेंस के अंदर निकालना है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में ये आता कहाँ पर है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आर्टिकल आते कहाँ हैं, कहाँ आते हैं आर्टिकल को, सेंटेंस में कहाँ पर रखा जाता है? जल्दी से जो लोग आंसर दे सकते हैं आंसर दीजिए, इतने और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएं फटाफट। हाँ जी, वीक आर्टिकल, नो आर्टिकल, अरे यार मैं ये नहीं पूछ रही कौन कौन से आर्टिकल, मैं पूछ रही हूँ कि इसका प्लेस क्या है नाउन के आगे। ओके जी, बिल्कुल सही बात कि नाउन के आगे लगता है आर्टिकल, जो होते हैं हमारे नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन को ही दर्शाने वाले शब्दों को आर्टिकल कहा जाता है। क्या सिर्फ यही शब्द हैं जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, एडजेक्टिव भी तो होते हैं भाई, ये नहीं है कि सिर्फ ये करते हैं, ओनली आर्टिकल नहीं लिखा, आर्टिकल वो शब्द हैं जिन्हें आप अपनी भाषा में ए एन द बोल रहे हैं, बाकी मैं सिखाऊंगी और क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारे नाउन से पहले पोजिशन होती है, इस बात पर बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी, फिर आपने, क्योंकि चूंकि आपको बेसिक्स पता नहीं होता चीज़ों का और आप सीधे रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, नदियों के नीचे आते द लगाया जाता है, चोटी के नीचे नहीं लगाते, पर्वत के आगे लगाते हैं, ये सब बाद की बातें हैं, आपको एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चीज़ें लग कैसे रही हैं। ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये सेंटेंस आप भी लिख रहे हैं, पर आर्टिकल नाउन से पहले नहीं, आर्टिकल नाउन के लिए लगाने वाली चीज़ है, दोनों बातों में बहुत अंतर है, नाउन के लिए लगाने वाले और नाउन से पहले। अगर मैं कहूँ नाउन से पहले तो हमेशा नाउन से पहले होना चाहिए फिर तो, एम आई राइट? तो ये देखो आपका तो जो कहा हुआ अभी खराब हो जाएगा, पेन हमारा क्या है, नाउन है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, प्लेयर क्या है, नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही है कि आर्टिकल के बाद मैम नाउन लगाइए, ये बिल्कुल सही है जो आपने बोला वही, पर अगर इस आर्टिकल,
इस नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव मैं लगा दूं, जैसे स्टूडेंट के लिए इंटेलिजेंट लगाया मैंने, स्टूडेंट एक नाउन, ठीक है, विद्यार्थी और विद्यार्थी की एक विशेषता कि वो इंटेलिजेंट, फिर ये आर्टिकल अन यहाँ क्यों लगा है? फिर इसको तो यहाँ आना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। तो आपने बोला, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने बोला कि मैम ये नाउन से पहले आना चाहिए, पर नाउन से पहले नहीं, ये नाउन के लिए आता है। अच्छा, अगर ये नाउन के लिए आता है, इसका मतलब ये जो है ये स्टूडेंट के लिए आया है, एक बुद्धिमान नहीं, एक विद्यार्थी। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है मैम एडजेक्टिव आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव लगाना, उस एडजेक्टिव के आगे कोई आर्टिकल लगा देना, और आर्टिकल ऐसा लगाना जो इस नाउन के लिए प्रयोग हो सके। ओके जी, अगर सेंटेंस ऐसा हो, सुमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारी नाउन, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, वेरी तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए, स्टूडेंट की विशेषता, उसे इंटेलिजेंट माने एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए ऐसा शब्द, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब तो पोजीशन एकदम चेंज हो गई, बताओ आर्टिकल यहाँ और नाउन यहाँ, ये तो बड़ा बीच में दीवार आ गई, तो ये कहना गलत होगा कि नाउन से पहले आता है, ये कहना सही होगा कि ये नाउन के लिए आता है। चौथी पोजीशन ये भी हो सकती है, किसी प्लेयर की विशेषता कि वो अच्छा है, उस अच्छे की भी विशेषता कि वो बहुत अच्छा है, और उस बहुत की भी विशेषता कि वो बहुत 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 अच्छा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमने कहा शी इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुई, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये इसकी एडवर्ब, और ये एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी एडवर्ब कहते हैं। तो हमने कहा आर्टिकल का पोजीशन ये है। तो इस बात से मेरी बस 2 मिनट की बात समझिएगा, और वो 2 मिनट की बात क्या थी कि आर्टिकल नाउन से पहले नहीं, नाउन के लिए आने वाले शब्द हैं। क्या इतनी सी बात आज की बात नहीं कहिएगा, नाउन से पहले, नाउन से पहले, नाउन से पहले, अपनी स्टेटमेंट को चेंज करना है और बोलना है नाउन के लिए आते हैं। पोजीशंस आपने देख ली हैं, सिर्फ एक पोजीशन नहीं हो सकती भैया, 4 पोजीशन हो सकती हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नाउन से पहले 4 पोजीशन है, यहाँ तक की बात क्लियर? रंजन, स्नेहा, आगे बढ़ूं, और लोग भी हमसे कनेक्ट हो जाएं, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाया करो यार, और जो लेट आते हैं सच में उनसे शिकायत है, तुम्हें पढ़ाई का टाइम तो पता होना चाहिए कि 9 बजे क्लास होती है, मतलब 9 बजे, कभी भी 9:10 पे नहीं होती है वो। आगे समझते हैं, अब आते हैं आप वाली बात पर। किसी किसी बच्चे ने जल्दी से थम्स अप, जो संख्या आ रही है मुझे दिख रही है ना, महसूस हो रही है, तो उसे फास्ट ही रखा करो। काइंड ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल भी 3 तरीके के होते हैं। पहला वीक आर्टिकल, कमजोर टाइप के, है ना, जो कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा मेन आर्टिकल, या इनके साथ कोई पंगा नहीं लेता। और तीसरा है हमारा जीरो आर्टिकल। क्या आपको पता है जो हमें इस चैप्टर के दौरान पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है? वीक आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, मेन आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल। वो तो तब ना मैम जब हमें ये पता लग जाए वीक आर्टिकल्स होते क्या है। वीक आर्टिकल्स कुछ भी नहीं भाई, पजेसिव एडजेक्टिव को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हिज, हर, आर, देयर, ये क्या है? वीक आर्टिकल्स है। ये हम इसमें डिस्कशन नहीं करने वाले, इसके लिए हमारे दूसरे चैप्टर्स हैं। अब आते हैं हमारे मेन आर्टिकल कौन से हैं, जो हम इस चैप्टर के दौरान आज एकदम क्लियर कर देंगे कि ये होते क्या हैं। आज के बाद गारंटी है मेरी, अगर आपको ये तकलीफ हो जाए कि आर्टिकल क्या है, कहाँ यूज हो रहे हैं, ड्रामा क्या चल रहा है इन सब का, है ना, कहीं लगा देते हैं कहीं नहीं लगाते, कहीं कहते हैं अ डॉग, कहीं कहते हैं द डॉग, दिमाग ठीक है क्या? तो इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ए, एन और द, तीनों वर्ड्स को, सिर्फ इन 3 वर्ड्स को पढ़ना है और आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। अगला देखिएगा जीरो आर्टिकल। अगर मैं कहूँ आजकल के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल कौन से होते हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हो, है ना। हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स तो पढ़ते रहते होंगे मुझसे, जो मुझसे पढ़ते हैं, हो सकता है पेड क्लासेस में पढ़ते हो, उनको तो पता होगा जीरो आर्टिकल मतलब अंडा, अंडा मतलब कोई आर्टिकल नहीं भाई। समस्या ये है पहली कि आर्टिकल आएगा या नहीं, आर्टिकल आएगा या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन से मुंह मोड़ लेते हैं,
कि आर्टिकल आएगा या नहीं, वहीं पर आपकी टाइटाइफिस, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो भूल ही गए, हमें तो बस जोर लगाना, ए भरना है, द भरेंगे, नहीं अ भरेंगे, एन भरेंगे, ऐसा कुछ होएगा, साउंड आएगी, वोवल, कॉन्सोनेंट, हम इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं, इस सेक्शन के ऊपर दिमाग लगाते हैं भाई। आर्टिकल जरूरी नहीं कि दुनिया में हर जगह भरा जाता हो हर शब्द से पहले, आर्टिकल कहीं कहीं नहीं लगते, उस चीज पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेन आर्टिकल्स की। मेन आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया तीन होते हैं, ए, एन और द। क्या बोलते हैं? ए, एन और द, तीनों को हमें यूज करना है मेन आर्टिकल। अब हमने कहा जो हमारी किताबों में लिखा है ये इनडेफिनेट चीज़ों के लिए होता है, ये इनडेफिनेट चीज़ों के लिए होता है, बट ये डेफिनेट चीज़ों के लिए होता है, पर हमें तो यही नहीं पता डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है, एम आई राइट? ये सब जगह दिखेगा। इसका यूज जनरल केस के लिए होता है, सामान्य यूज है, इसका कुछ स्पेसिफिक यूज है, बट हमें यही नहीं पता जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है। अगले और कुछ बातें भी लिख, मैं किताब की बात लिख रही हूँ, ये मैंने नहीं है, मैं किताबों से लिख के लाई हूँ। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। अब तुम्हें यही नहीं पता काउंटेबल क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, फिर वो याद नहीं होती है, ये सब होता है ना, एम आई राइट? पहले मुझे बता दो, ये सब होता है तो फिर मैं इसका सोल्यूशन करूँ। हमें यही नहीं पता डेफिनेट क्या, कब कौन डेफिनेट हो जाता है, कब इनडेफिनेट हो जाता है, कब हमें हमें याद ही नहीं रहती काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है, तो कैसे ये सब खिचड़ी याद रखेंगे, होता है ना ऐसा? तो चलिए जी क्या आज इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई है क्या, जीरो जीरो से शुरू करते हैं, क्या क्या ड्रामा है, इस ड्रामे को समझाए पहले। हाँ जी समझिए, सबसे पहले ए और एन दो बातें, वैसे देखो अब इसके प्रोनंसिएशन पर मत जाना कि अ और अन बोलते हैं, मैं नॉर्मल तरीके से हमारी इंडियन प्रोनंसिएशन को यूज करती हूँ, ए और एन। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मैम ए को अ बोलिए, अन बोलिए, एन, मुझे भी पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो डेट्स ओके, उनको ए और एन से फीलिंग आती है, तो मैं वो फीलिंग के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, पहला देखिएगा ए और एन की कहानी, द को समझेंगे अभी, पहले ए और एन को निपटाते हैं, छोटा सा है, 5-7 मिनट में निपट जाएगा। देखिए पहला केस, पहली बात ध्यान रखिएगा मेरी, पहली बात से आपका पूरा ए एन क्लियर हो जाएगा कि ये ना काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, पहला सवाल मेरा, मेरा पहला क्वेश्चन कि ए और एन इनमें से एक मान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस हम अगली स्लाइड में बता देंगे, तो ये जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, पहला सवाल, किसके साथ आते हैं? अब हमें तो पता ही नहीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। काउंटेबल चीजें वो जिनकी गिनती शुरू की जा सके, सुनिए मेरी डेफिनेशन दोबारा सुनिए, जिनकी गिनती की जा सके, गिनती कैसे की जा सके, जो एक से दो हो सके, दो से तीन हो सके, तीन से चार हो सके। सोचिए मैं आपसे बहती हूँ, बॉय काउंटेबल है, गिनने योग्य है, हाँ जी है, चेयर गिनने योग्य है, हाँ जी है ना, मैंने कहा मैन गिनने योग्य है, अब हमें नहीं पता मैम गिनने योग्य भी, चलो मैं एक तरीका बताऊं, जिसका हम प्लूरल बना सके, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना कि ये सब काउंटेबल है, मैं कह रही हूँ तुम ना इनका प्लूरल बना के देखो, अगर बन जाए, अगर तुम एबल हो प्लूरल बनाने के, तो समझ लेना कि वो काउंटेबल है, दुनिया का कोई वर्ड ले आओ मेरे सामने, चलो बॉय का बनाओ, प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है, इसका मतलब काउंटेबल, चेयर का मतलब चेयर्स होता है। आप भी अपने अपने शब्द बता दीजिए, कुछ इतना डल दिमाग से मेरी क्लास में नहीं यार, मैं जितना खुद एक्टिव रहती हूँ उतना ही आपको एक्टिव रहना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आप कुछ वर्ड्स बताइए मुझे जिनको आपका मन कर रहा है, मन में आ रहे हैं बस आपके, बोलते जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज, मैंने कहा इसका प्लूरल ये होता है, मार्कर का मैम मार्कर्स होता है, मेरे सामने जो आ रहे हैं, बुक का बुक्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है ना, चेयर का चेयर्स होता है, तो मेरे सामने जो स्क्रीन है स्क्रीन्स होता है, अच्छा ठीक है, हैंड है हैंड्स होता है, अच्छा ठीक है, जो मेरे मन में आ रहा है, आप भी अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं। चाइल्ड बोला एक बच्चे ने, तो चाइल्ड क्या है, मैं अगर ऐसे पूछ के देखूँ
एक बच्चा, मुझे नहीं पता मैम ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, प्लूरल बना के देखो, प्लूरल तो हम बना देते हैं चिल्ड्रन, ये लो क्या हुआ काउंटेबल। अब कुछ चीजें जो हम सुनते आए हैं अनकाउंटेबल है, जैसे कि याद ही नहीं होती सारी किताबों में, भाई काउंटेबल वो जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सके, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, टेबल टेबल्स, राइट। अब अगले बात, ये तो हमें समझ में आ गया, ए एन का प्रयोग काउंटेबल की साइड जाएगा, ठीक है इसको तो काट दे, इसके बारे में अभी जिक्र करेंगे। काउंटेबल में भी दो पार्ट हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब बताइए ए एन का यूज इसके आगे करूं या इसके आगे करूं? भाई ए और एन का एक मीनिंग भी होता है, एक या फिर प्रति, जैसे प्रति किलो बोलते हैं, पर है ना, प्रति इकाई, तो एक भी मतलब होता है, जिसका मतलब एक होता है वो एक लड़के कैसे हो सकता है? भाई जो प्लूरल है उसके साथ एक आर्टिकल कैसे लगा सकते हो? तो अगली बात भी समझ में आती है कि अ बॉय हो सकता है, अ गर्ल हो सकता है, अ टेबल हो सकता है। अ बॉयज नहीं होता, अ गर्ल्स नहीं होता, अ टेबल्स नहीं होता, बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ आप ए एन को यूज नहीं कर सकते। यही तो किताबों में लिखा है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। भाई सिंगुलर तो ठीक है मैम, काउंटेबल के साथ क्यों होता है? भाई जिसका सिंगुलर बन सकता है, जिसका प्लूरल बन सकता है, उसके सिंगुलर को बताने के लिए ही तो तुम आर्टिकल यूज कर रहे हो, क्योंकि नाउन को दर्शाने वाले शब्द ही आर्टिकल है। तो पूरी डेफिनेशन से हमारी ये बात सिद्ध होती है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। समस्या की बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज तो मैं आपको सिखा दूंगी। पर आपके सामने आप जब कुछ भी पढ़ते हैं यार, व्हाटएवर, आप कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी दुनिया की कोई किताब उठा के देख लेना, उसके अंदर एक लिस्ट मिलती है, सम इम्पोर्टेंट, सम ही हमारे टाइपिस्ट साहब ने थोड़ा सा अच्छा लिख दिया, चलो हम ठीक लिख देते, सम इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, ये हमें हमेशा दिखती हैं। सच्ची बताना सबको दिखती हैं भाई, ये सारी हैं, पढ़ते हो कभी? ये ना हर किताब में लिखी रहती है कि ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसको मैं ही लिख देती हूँ, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, जिनके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग मत करिए। कह देते हैं वो तो अपना लिख के छोड़ देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है मामला। चलो अगर आपका हो तो मैं अगले 5 मिनट में इन सबको आपको याद करा सकती हूँ। पढ़ी है ना सबने, रानी ने, कुमारी, चीनू, दिग्विजय, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तभी ये सीखिए, अदरवाइज तो फिर आपको एकदम जीरो से मेरे फिर बैचेस पे जाना पड़ेगा, मतलब पेड बैचेस पे, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते हो तो ही मैं यूट्यूब पे सिखा पाऊंगी, है ना, पढ़ते हो? जो हाँ बोलेंगे तो मैं अगले 5 मिनट में सारी याद करा सकती हूँ, मेरे पास जादू है, मैं वो कैलरी कैसे याद कराती हूँ तुम्हें, जादू। अभी देखो होम क्लिम स्लिम ऐसे कुछ होता है ना, वो जादू, ओम क्लिम स्लिम वाला जादू से मैं याद करा सकती हूँ। ए हे हेयर के बच्चे काउंटेबल है, चुप हो जाए ना, कराऊं? चलो तो शुरू हो जाए। उसका लेकिन एक एक रूल है याद कराने का, जो जो मैं कहूंगी अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, कमेंट सेक्शन को छोड़कर 5 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर जिंदगी में ऐसे याद करा दूंगी भाई, कभी नहीं भूलोगे, लेकिन फुल कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, जो मैं बोलूं उसे इमेजिन करना है। चलिए सब तैयार है तो 5 मिनट में सारी अनकाउंटेबल नाउन याद हो जाएंगे, उनके आगे ए एन नहीं लगाना, रूल याद हो गया। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं। एक ना लंबे से बालों वाला आदमी है, इमेजिन विद मी, सिर्फ 5 मिनट लूंगी भाई, मेरे को याद हो गई, मैंने भी ऐसे याद करी, मैं कोई वो थोड़ा ना, खुदा थोड़ा ना, मेरे को ऐसे याद है, मैंने भी ऐसे याद करी थी।
एक लंबे से बालों वाला आदमी है, बाल वाल नहीं कटवाता वो, ठीक है, बड़ा ही बदतमीज और शरारती टाइप का है, कुछ होते हैं इंसान लंबे बाल रखता है, इसका मतलब समझ लो ना, थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का, शरारती टाइप का पर्सन है, बदतमीज है, पैसे का वेस्टेज करता है। एक लंबे बालों वाला आदमी बहुत ही बदतमीज टाइप है, मनी का वेस्टेज करता है। कैसे करता है वेस्टेज? वाइन पीता है, म्यूजिक क्लब्स वगैरह में जाता है और वाइन पीता पीता क्रॉकरी को ब्रेकेज कर देता है। चलिए याद हुई, सबसे पहले एक आदमी को सोचिए जिसके लंबे से बाल हैं, बड़ा ही बदतमीज है, पैसे को वेस्ट करता है। कैसे करता है पैसे को वेस्ट? वाइन पीता है, म्यूजिक क्लब्स में जाता है, वहां पे जाके क्रॉकरी को ब्रेकेज कर देता है। बताइए याद आगे क्या हुआ? अब हमेशा एक इंसान की जिंदगी ऐसी ही थोड़ा रहती है, चेंज भी तो आएंगे। अब चेंज के दौरान क्या होता है कि वो कहीं पर रहने चला जाता है, अकोमोडेशन है ना। अब रहते रहते पहले एक किसी फ्लैट में रहता था, अब उसको कहीं और अकोमोडेशन मिल गया, कहीं और रहने लग गया वो, ठीक है। वहां पर अपना बैगेज और लगेज रख देता है। पहले एक बंदा बालों वाला, शरारती, वाइन पीता है, म्यूजिक सुनता है, क्लब में जाता है, क्रॉकरी तोड़ता है, मनी की वेस्टेज करता है, ऐसा आदमी अब एक एक ऐसे मोहल्ले में चला गया, ऐसी कॉलोनी में चला गया, वहां रहने लगा, अपना बैगेज लगेज लगा दिया। तो वहां पर एक इंसान से उसकी मुलाकात हो गई। भैया एक इंसान है, दूसरे इंसान से मुलाकात तो होगी ना। अब बैगेज लगेज अकोमोडेशन लगा के उस बंदे ने उसको एडवाइस दी। क्या एडवाइस दी? नॉलेज दी किसी काम की। किस काम की? बिजनेस की। और अपने साथ काम करने की परमिशन भी दे दी। क्या हुआ बंदा? याद करिए, बालों वाला था, बदतमीज था, मनी की वेस्टेज करता था, वाइन पीता था, म्यूजिक सुनता था, क्रॉकरी तोड़ देता था, ये सब हो गया। फिर उसने अपना अकोमोडेशन चेंज किया, वहां पे अपना लगेज बगेज सब लगा दिया, ये होता सामान है ना इसका मतलब। फिर वहां पे एक बंदा मिला, उसने उसको एडवाइस दी, भाई ऐसे तो काम नहीं चलना जिंदगी में, कुछ भला काम कर ले, है? ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी तेरी। उसने उसको एडवाइस दी, नए बिजनेस की नॉलेज दी। क्या करा? एडवाइस दी, नए बिजनेस की नॉलेज दी और अपने साथ वर्क करने की परमिशन दी। बताओ दो लाइन याद, सच्ची सच्ची बताना, अपने दिल पे हाथ रखे कसम से। कमेंट शो नहीं, कमेंट्स नहीं करने हैं, सिर्फ सुनना है अभी मेरी। कमेंट्स बाद में सुन, बाद में करना, पहले सिर्फ सुनो। लंबे बालों वाला आदमी कैसा है? बदतमीज, मिस्चीफ टाइप का, मनी की वेस्टेज करता है, वाइन पीता है, म्यूजिक सुनता है, क्लब में जाता है, क्रॉकरी तोड़ देता है, ब्रेकेज। फिर वो अपना अकोमोडेशन चेंज कर लेता है, वहां पे अपना लगेज बगेज सेट कर लेता है, बैगेज सॉरी। और उसके बाद एक पर्सन उसको मिलता है, वो उसको एडवाइस देता है, एडवाइस देता, भाई ऐसे तो जिंदगी नहीं चलनी है ना, मैं तुझे नॉलेज देता हूँ बिजनेस की, तू एक काम कर मेरे साथ वर्क कर, मैं तुझे परमिशन भी देता हूँ, काम कर भाई ऐसे तेरी जिंदगी नहीं चलनी। बताओ दो लाइन याद, अगर याद तो थम्स अप वरना तो थम डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। फिर एक दिन न्यूज आती है, ये सब हो गया उसकी दो पार्ट, पार्ट नंबर वन नाटक का पहला दृश्य और नाटक का दूसरा दृश्य। अब एक तीसरा दृश्य, उस दृश्य में क्या है कि एक न्यूज आती है, न्यूज आती है कि बंदे ने प्रोग्रेस कर लिया यार, ऐसा करने से एकदम एक दिन न्यूज आती है कि बंदे ने प्रोग्रेस कर ली। कैसे करी? उसने स्टेशनरी और इक्विपमेंट की दुकान खोल ली थी, है ना, बड़ा बिजनेस कर लिया। काहे का? स्टेशनरी का, स्टेशनरी का और इक्विपमेंट्स बनाने लगा साइंटिफिक, है ना। अब तो पूरा मामला ही चेंज हो गया, पूरी घर में सीनरी लगा ली, घर में फर्नीचर लगवा लिया, भाई प्रोग्रेस करिए, पैसे आए उसके पास, अब तो सीनरी भी लगाएगा घर में, फर्नीचर भी नया लाएगा, ज्वेलरी पहनने लगा। पहले तो ऐसा था मिस्ट्री टाइप का, बाल वाल बढ़ा के रहता था, अब ज्वेलरी पहनने लगा। और बस एक उसके अंदर अब म्यूजिक क्लब में जाना छोड़कर पोइट्री करने लगा। यहाँ पर आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन आपको याद हो जानी चाहिए। फिर से याद कराऊं, थर्ड वाली कराएं, यहाँ पर तो उसके साथ हो गया, पहले वो ऐसा था, फिर दूसरा आदमी उसको ऐसा मिला, तीसरे में जाके एक न्यूज आती है कि बंदे ने प्रोग्रेस कर ली, बिजनेस किस चीज का किया? स्टेशनरी और इक्विपमेंट का। अब घर का पूरा सीनरी चेंज, फर्नीचर चेंज,
और आदत भी चेंज, ज्वेलरी पहनने लगा, बाल कटवा के आदत बदल कर पोएट्री करने लगा। बताओ सारे याद या नहीं याद? याद हुए? लो भाई 5 की जगह बस 7 मिनट लग गई, बताओ क्या दिक्कत है? याद है? अब एक काम करो, कहानी समझ आई है? कहानी नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन याद करने की ट्रिक है। अच्छा अब कंजूसी नहीं करना है, आपके थम्स अप और लाइक में जितने लाइक होंगे मैं समझ जाऊंगी कि फिर ऐसे ऐसी क्लासेस तुम्हें और चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसे इंग्लिश में जिसलिए छोड़ दी जाती है, याद कर लो। सबसे बड़ा पार्ट तो वोकैबुलरी, जिसको याद कर लो। तुम अच्छे से जानते हो, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैं कभी मेरे एक भी स्टूडेंट को एक भी वर्ड याद करने के लिए नहीं कहती, याद करवाती हूँ, इसीलिए तो टीचर हूँ। ठीक है, मजा आया? चलो अब तो लिख दोगे तुम सारी की सारी, इमेजिनेशन में लिख दोगे सारी अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारी की सारी बेटे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शुरू से हमने बालों से किया, उसको ज्वेलरी पहना दी, पोएट्री। अब एक काम करना, इस पीडीएफ को देखकर एक बार और रिवीजन कर लेना, जब बाद में जब भी करो, और तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है जी, आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा साउंड का खेल देखते हैं, ए और एन के साउंड का खेल क्या है। 2 मिनट सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको ये पहले से आता हो और हो सकता है ना आता हो, पर बीइंग अ टीचर मुझे तो बेसिक भी पढ़ाना है और हाई लेवल भी पढ़ाना, दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो भाई, ए जो हमारा आर्टिकल है उसके आगे जो नाउन आती है उसको बोलकर देखना है। क्या करना है? बोलकर देखना है, और बोलकर देखकर ये पता करना है कि जो आवाज आ रही है उसकी शुरुआत अ से, ई से, ए से, ओ से तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो किसका प्रयोग? ए एन अन का प्रयोग। और अगर नहीं हो रही, वोवल साउंड नहीं है, तो किसका प्रयोग? अ का प्रयोग। क्या बोला मैंने? इसके आगे नाउन देखो, अम्ब्रेला। बोलो मेरे साथ, अम्ब्रेला। बताओ जब अम्ब्रेला, हिंदी में बोलना ना, अम्ब्रेला ऐसे लिखूंगी मैं। कौन सा साउंड? आ साउंड। जल्दी से भर दो यार, फिर देखो ये तो तुम्हें पहले से आना चाहिए, अगर बेसिक थोड़ा बहुत तो आता होगा, फिर भी नहीं आता तो बोलो अम्ब्रेला। अ साउंड, अ साउंड कौन सी? ये वाली, ये वाली के लिए मैम क्या बताया? एन बताया, तो क्या बोलूं? अन अम्ब्रेला। नेक्स्ट वन थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट वैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आज भी आते हैं इससे। देखिएगा, यूजफुल बुक। नेक्स्ट बोलो, बोल के देखूं, ये मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पे बोल दूं यूजफुल। यूजफुल में साउंड य की, यूजफुल में साउंड, वेरी गुड अंशु, दिशा, बबली, सारे भर दो यार। यूजफुल य साउंड, अ की। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर हमने कहा एन। ऑनेस्ट, इसे होनेस्ट नहीं बोलते, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ का साउंड एन। इसे बोलिए बी, ब का साउंड ब है ना, ब, ब तो कॉन्सोनेंट है। अ, एच एम, एच एम में क्या भरूं? एच को बोल के देखना पड़ेगा यार, मुझे तो आ नहीं रहा। एच एम, बताओ क्या भरूं? ए है, ए तो ये है, ए तो ये है, तो ये एन है, तो मुझे भरना चाहिए एन एच एम। आगे बढ़िए, आई, आई में क्या है? आ, आ है तो एन। अब इसके साथ क्या करूं? लास्ट वाले बताना, एट्थ में बताओ, एट्थ में, एट्थ में बताइए, सब लोग इंतजार करती हूँ ना। रितु कुमारी, रश्मि, नेहा, यशपाल सिंह जी, रिया, लास्ट में बताइए, मैं एट्थ में पूछ रही हूँ। आगे नंबर लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए एट आगे, ऐसे ऐसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा इसको बोलते क्या है, बोलना ही नहीं आता मैम। हेयर बोलते हैं इसको, ए हेयर नहीं बोलते इसको, ए बोलते हैं क्या? ए, हाँ हाँ, नार बोलते, नैच बोलते, ये बीच में है ए। सच में यार, गूगल से पूछ लेना बेशक प्रोनाउंसिएशन। तो इसे हेयर नहीं बोलते हैं, ये तो बेचारा बीच में रह गया ए पे, ना ये हा बोल पा रहा ना रा बोल पा रहा, ये बीच में है। तो हमने कहा जब ये ए बोल रहा है, ओनली ए बोल रहा है, तो मुझे इसके साथ एन यूज करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनसे हम वाकिफ नहीं होते तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। चलो अब तो तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, तो जल्दी से बस 1 मिनट का टाइम देती हूँ, 1 मिनट नहीं यार 10 गिनती हूँ, सिर्फ 10 गिनूंगी, और 8 के 8 कर देना। ठीक है, थोड़ा जल्दी, फास्ट यार, फास्ट, फटाफट, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आते। अभी 2022 के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, अगर टाइम हुआ तो बता भी दूंगी।
फटाफट फटाफट अपने अपने दिमाग में भर लीजिए, एमए, एनसीसी ऑफिसर, ऑक्सन, एसडीओ, एक्स, एलिफेंट, एमपी, ऑक्स, फास्ट, विक्रम, अनुज, वेरी गुड, विशाल सिंह, रवि, योगेश, अंशु, रिफा, अमित, सुषमा, अंजू, प्रियंका, वेरी गुड, योगेश, वेरी गुड, फास्ट यार फास्ट, तुम्हें ये भी नहीं आता क्या यार, हद हो गई, पानी भेज दूंगी फिर नाक दो बोले ना उसमें थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। अभिषेक जी तुम्हें ना आता एक भी, रहन दो तुम, रहन दो कृपया करके, मुझे तो लगा था ये मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, पर मतलब हद तो ये हो गई यार, तुमने इसको सबको बना भी दिया और सारे गधे यहाँ इकट्ठे हो गए, क्यों दुनिया में सारे गधे जो बच गए हैं वो मेरे यहाँ आ गए हैं क्या, सब गलत, तुम चुप हो जाओ, गवर्नमेंट मेरी बात सुन लो, एम ए एम एन एम ए ओके एन सी सी ऑफिसर एन एन लो मैम एन ऑक्सन एस डी ओ भरू पहले एस डी ओ एस ऑक्सन तो मुझे आ नहीं रहा एस एन एक्स एलिफेंट एलिफेंट भरू एलिफेंट 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 एन एम पी भरू एम पी है ना एम पी तो मैंने कहा एन ऑक्स भरू ऑक्स ओ एन पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आई ये यहां पर तुम सारे गधों ने एन एन क्यों लगा दिया है एन 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 है वाह 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 अभी जब मैंने बोला आ बोए तो मैम ठीक है आ बोए तो गलत है क्लास को पूरा ध्यान से सुनते नहीं हो या फिर तुम्हें ज्यादा आत्मविश्वास आ गया कि हमें ये आता है बेटा प्लूरल के साथ कब से आर्टिकल लगने लगा ऑक्सन तो प्लूरल है और एक्स भी प्लूरल है प्लूरल के साथ कब से आर्टिकल लगने लगे आज ही लगे हैं कुछ खास देना है क्या तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दूंगी मैं ओ सॉरी मैम सॉरी सॉरी क्या सॉरी नो आर्टिकल हाँ अब तुम हंस लो सॉरी बोल लो चलिए कोई बात नहीं ऐसा गलती होती है मैंने टाइम कान दिया तुम्हें संभलने का बस बोला मैं चाहती थी तुम गलती करो तुमने गलती कर दी थोड़ा ध्यान से प्लूरल जो होते हैं उनके साथ आर्टिकल नहीं लगते भाई एक्स है बॉयज के साथ आर्टिकल नहीं लगता इसीलिए तो हमने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन लगता है इस रूल को नहीं समझेंगे तो आर्टिकल क्या समझे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगता है ठीक है बेटा अब क्लियर बात मजा आया गलती करके चलो अब की बार ठीक कर देना वरना तो फिर देख लो पिछली बार तुमने गलत करा इस बार अगले 10 गिनती हूँ 10 क्यों गिनू 5 ही गिनूंगी 5 ही तो सेंटेंस है अब की बार मैं देखती हूँ आई एम योर न्यू स्टूडेंट व्हाट वेरी ब्यूटीफुल माई टीचिंग इज वेरी ब्यूटीफुल और यू आर सेइंग मी मजा आया मैम गलती करके वाह 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 गंदे बच्चे अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से होल्ड योर हॉर्सेस एक idiom है जिसका मतलब होता है भाई ध्यान से है ना इतने घोड़े मत दौड़ा इतनी तेज से 21 तोपों की सलामी दी जाए तुम्हें दी जाएगी 21 तोपों की सलामी चलो भर दिया एक बार भर के फिर थम्स अप बोल देना मैम हो गए पूरे 1 2 3 4 5 कंप्लीट एप्पल एप्पल An apple, okay, is fell from a tree, okay. Copper is useful, a useful metal, okay. The children saw an egg in the nest. Do you have a cigarette? He has a pen and an ink pot. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका ठीक है बता देना अगर किसी का गलत हो तो सबका ठीक है सबका ठीक होगा भाई आगे देखो There is nota button at the end of each EVM. There is nota. पढ़ के बोलो nota. Na sound मतलब ah. He is SBI. S S बोल के देखो S S मतलब A A मतलब N. अच्छा इसको भरो. They are S U M A and N in the word Suman.
बताओ फिर तुम, मुझे नहीं पता मेरे नाम में कितने एस हैं, कितने यू है, कितने एम है, कितने ए है, कितने एन है, बताना। टेल्स एंड एस, बोलो एस एस। ओके, यू या आ, एम ए एम एम एन, ए खुद वोवल ए तो बोला, एन मतलब कि मेरा नाम ऐसा है, मेरे नाम के लेटर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ यू एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ए आएगा, बाकी सबके साथ एन आएगा। उम्मीद करती हूँ कि सबने भर दिया होगा, है ना जी। चलो आगे देखते हैं। ये मेरा फाउंडेशन बैच है भाई, जो 7 जून से अभी शुरू हुआ था, एकदम जिसको बेसिक से शुरू करना हो, मतलब जिसको इसमें भी वीकनेस लगती हो कि मैं ये सब कभी पहले पढ़ा नहीं हूँ, तो वो फिर उसको कंप्लीट बैच ही लेना चाहिए, है ना। 4-5 मंथ्स का सिलेबस ही लेना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब आती है दूसरी बात, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट वाली। हमें यही नहीं पता मैम कौन सा डेफिनेट और कौन सा इनडेफिनेट है ना, क्या होता है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट, हिंदी भी नहीं पता होगी हमें तो अच्छे से। चलो तुम्हारे सामने ना एक स्टोरी है। दे वंस देयर वाज अ क्वीन, द क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन, द गार्डन वाज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। पढ़ ली आप लोगों ने स्टोरी? स्टोरी पढ़ ली सबने? अरे हाँ तो बोलो। मैंने कहा वंस देयर वॉज अ क्वीन, अभी तो ये अ क्वीन थी, अगले सेंटेंस में ये द क्वीन बन गई। ओके जी, पहले सेंटेंस में शी यूज टू गो फॉर वॉक इन अ गार्डन था, और अगले सेंटेंस में ये अ गार्डन द गार्डन बन गया। ये आपको पीक्यूआरएस में भी बहुत हेल्प करता है ये रूल। तो देखो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि क्वीन से पहले आएगा क्या द आएगा, ये तुम पे डिपेंड नहीं करता। गार्डन से पहले आ आया, गार्डन से पहले द भी आया, ये तुम थोड़ा ना डिसाइड कर पाओगे, ये तो सेंटेंस डिसाइड कर पाएगा ना कि वो कहना क्या चाहता है। इसे कहते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट खेल। भाई जब मैंने कहा वंस देयर वाज अ क्वीन, इसका मतलब एक बार एक रानी थी, रानी हजारों थी उनमें एक ये भी रानी थी। अब जो दूसरी बात है, हजारों रानियां थी, हजारों है ना, इन हजारों में से एक थी, एक ये भी थी। ओके, फिर मैंने कहा द क्वीन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जब मैंने इसके आगे द लगाया, अब मैं कहना चाहती हूँ कौन सी रानी? भैया ये वाली रानी। कौन सी रानी? ये वाली रानी। जब मुझे पता हो कि कौन सी, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड एंड डेफिनेट केस, जिसमें आप उलझ जाते हो मैम ये डेफिनेट इनडेफिनेट स्पेसिफाइड क्या है, ये है जहां पर चीजें स्पेसिफिक हों। अब मैंने पूछा ये क्वीन कौन है, आपने कहा ये वाली है, ये वाली क्वीन है जिसने पिंक ड्रेस पहन रखी है। आगे देखिए, शी यूज टू गो फॉर अ वॉक इन अ गार्डन, इन अ गार्डन, एक बाग में जाती थी, बाग हजारों लाखों है उनमें से एक। पर जब मैंने कहा द गार्डन वॉज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज, ये कौन सा गार्डन है जिसके अंदर फूल है, पेड़ फूल है, कौन सा गार्डन है? ये वाला गार्डन है, ये वाला। अब हमें पता लग गया कि ये द गार्डन है, ये आ गार्डन यूज होगा। अब क्लियर हो गई हमारी बात, बताओ क्लियर हुई या नहीं? सेकेंड टाइम में जब मैंने द गार्डन कहा तो मेरे पास इस बात का आंसर था कि गार्डन कौन सा, हमने कहा ये वाला भाई, ये वाला। मैं कैसे समझूं? अरे ये लिखा तो है सेंटेंस के अंदर, जब आप इंट्रोडक्शन पर किसी चीज पर लाते हैं तो अ यूज करते हैं, अदरवाइज द। मैंने क्या कहा? जनरल सेंस इसे कहते हैं, स्पेसिफाइड केस इसे कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये क्वीन ये वाली है। इस बात को अभी मैं लागू करवाऊंगी, ध्यान देना, इस बात से आगे के सेंटेंस बनेंगे। क्वीन कौन सी है मुझे पता है तो द आएगा, और अगर नहीं पता तो अ आएगा। फिर से सुनो, अगर मुझे पता है क्वीन कौन सी है तो द आएगा, अगर मुझे नहीं पता तो आएगा। मुझे नहीं पता गार्डन कौन सा है तो आ गार्डन, मुझे पता है कौन सा गार्डन है ना, मेरे मोहल्ले में पीछे उस घर के आगे, सफेद घर के आगे वो गार्डन, अगर तुझे पता है तो द आएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मुझे द आर्टिकल का ये यूज बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। भरो जरा फिल इन द ब्लैंक, गारंटी देती हूँ तुमने गलती करना है, आदत हो गई है तुम्हें गलत करने की, एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है।
आ गार्डन नहीं पता मैम, यस एग्जैक्टली, जय किशोरी की सिस्टर हूँ। नहीं नहीं यार, मैं जय किशोरी जी की सिस्टर कैसे हो सकती हूँ। ये तुम जय किशोरी से यहाँ जाओ। आह ओके, आह एंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बोला था ना तुम्हारे लिए तो भाई पंच ताल बजानी चाहिए मुझे। हमारा स्कूल हुआ करता था सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें पंच ताल बजती थी। तुम्हारे तो पंच गया, तुम्हारे तो 8 ताल बजाऊँ। आ कार्स आर मोर ब्यूटीफुल देन बाइक्स, आ कार्स गिफ्टेड टू अमन बाय हर। ये तो ठीक है ना, दा कार्स, ये तो ठीक लगा दिया सबने, दा कार्स गिफ्टेड। बेटा सुनो, जो कह रहे हैं मैम, ये जो कार हैं, कार्स आर मोर कंफर्टेबल देन, तुम्हें पता है कौन सी कारों की बात हो रही है, कौन सी बाइकों की बात हो रही है? जनरल केस नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हें पता है, मुझे बताओ कौन सी कार, आंसर दो, कौन सी कार बोलो, तुम्हें नहीं पता, जनरल बात है, कार कौन सी बाइक बताना, तुम्हें नहीं पता तो ये जनरल केस है, इसे कहते हैं जनरल। जब नहीं पता तुम्हें, इसमें बताना कार्स, बोला कौन सी कार, बोला वो कार जो गिफ्टी टू अमन बाय हर, जो उसने अमन को गिफ्ट की है, कौन सी कार जो उसने गिफ्ट की है अमन को, वो वाली कार। ये तो उत्तर मिल गया, कौन सी कार जो उसने गिफ्ट करी है यार, जिसने अमन को गिफ्ट करी है वो कार की बात कर रही हूं मैं। मैंने कहा कौन सी क्वीन जो पीछे वाली लाइन में थी उसकी बात कर रही हूं मैं, कौन सा गार्डन जिसमें वॉक पे जाती थी उस गार्डन की बात कर रही हूं मैं, कौन सी कार की बात कर रही हूँ जो उसने अमन को गिफ्ट कर रही है, मैं उस कार की बात कर रही हूँ। अगर ये स्पेसिफाइड हो गया, स्पेसिफाइड हो गया तो बेटा क्या लगाना चाहिए मुझे, द कार्स लगाना चाहिए। लेकिन बेवकूफ हो, ये जनरल बात है तो मैम आ लगा दें, है ना, आ लगा दें। बुद्धि ठीक है तुम्हारी, प्लूरल है वो, कार्स प्लूरल से पहले आई ए एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? आज की क्लास की पहली लाइन, अब तक पीछा नहीं छोड़ रही, इसलिए कहते हैं जब भी कोई चीज पढ़ो तो एकदम बेसिक से पढ़ा करो, इसलिए नहीं लगेगा कोई आर्टिकल नहीं यार। आर्टिकल लगाना जरूरी थोड़ा ना है, बताया था ना शुरू में आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा, इस चीज का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। प्लूरल काउंटेबल के केस में आर्टिकल नहीं लगाना है आपको, जब लगाना है जब आप उसको स्पेसिफाइड करना चाहें। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई या फिर मैं दोबारा बताऊं, थोड़ा फास्ट, ये बात क्लियर सभी को या फिर मैं दोबारा बताऊं एक बार? मुझे मुझे कोई कार गिफ्ट गिफ्ट नहीं करता, ओफो, काफी रिच सी गर्लफ्रेंड बना ले बेटा तो कर देगी, कार गिफ्ट में क्या है आजकल लड़कियां करने लगी है। मेरा नाम ले लो फिर, उससे क्या होगा, भिवानी कौन था ये? सही बोले थे, हाँ जी मैम हम सही बोले थे। ये तो बताओ हो गया पक्का, दोबारा रिपीट करूं नहीं करूं, आगे बढ़ती हूँ, है ना, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे जी ये क्या है, इनका नाम है मोहन और इनका गोत्र है शर्मा। तो मैंने कहा ये है मोहन शर्मा, और अब किसी को नाम तो याद रहा नहीं, थोड़े दिन बाद, मैंने थोड़े दिन पहले इनसे मिली तो किसी ने मुझे इनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये है मोहन शर्मा, और थोड़े दिनों बाद, फिर 10-15 दिन बाद मैं इनसे मिली और मुझे मोहन तो मैं भूल गई, मुझे याद रहा शर्मा। तो मैं कहूंगी मिस्टर शर्मा, क्या कहूंगी, मिस्टर शर्मा। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं कहा, नहीं याद रहा यार मोहन, इसमें क्या गोत्र याद है मुझे तो। ओके अब क्या हुआ, एक दिन मिस्टर शर्मा मुझे मिले 10 दिन बाद यहां पर। अब 20 दिन के बाद मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ मुझे मिलते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अब मुझे इनको कहना है कि ये कौन है, नाम अभी भी याद नहीं है, नाम पड़ोसी याद कुछ नहीं पता, क्या सिर्फ शर्मा पता है, सिर्फ एक वर्ड पता है शर्मा। मैं कहूँ ये मिस्टर शर्मा है, ये मिसेज शर्मा है, बेटा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाती हूँ बस मैं। मैंने कहा ये मिस शर्मा है,
ये भी मिस्टर जूनियर शर्मा है, ऐसे बोलूं? एक दूसरा तरीका भाई, कोई ऐसा तरीका बताओ ना, इनके नाम याद रखने पड़े ना इनको मिस्टर मिसेज मिस्टर मिस कहना पड़े। मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊं जिससे ये पूरे के पूरे डिनोट हो जाएं। तो एक तरीका आया, मैं इन्हें कह दूं द शर्मास। क्या शर्मा मीन्स गोत्र के साथ एस लग सकता है? हमें तो बड़ा अजीब लगेगा, लग सकता है जब हम सारों को इंडिकेट करना चाहें। शर्मा में प्लूरल आप बना सकते हो, किसी के गोत्र को तब प्लूरल बनाया जा सकता है जब हम इंडिकेट किसको कर रहे हो, सारों को इंडिकेट कर रहे हो, शर्मास। ठीक है, तो तब यूज किया जाता है द शर्मास। तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैं इन सबको बोल दूंगी कि कौन आ रहे हैं उधर से, द शर्मास। कौन आ रहे हैं? शर्मास आ रहे हैं। ठीक है, शर्मा शर्मा के आ रहे हैं। याद रहेगा कि जब भी हम, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन फंस जाती है कि आपको गोत्र याद है लेकिन वो चार पांच लोग हैं सबका गोत्र सेम है, तो उस केस में आप उन्हें प्लूरल लगाकर डिनोट कर सकते हैं और आपको उनके साथ आर्टिकल द को यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो अब स्पेसिफाइड वही यही वाले शर्मा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस है ना, चलो इन्हें ठीक करके बताओ मुझे, थोड़ा फास्ट है ना, बोलो। शर्मा फैमिली, एग्जैक्टली, शर्मा फैमिली के लोगों को मैं दा शर्मास कह रही हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू शर्मास। ये प्रॉपर्टी शर्मा को बिलोंग नहीं करती। देखो भाई, अब इसमें प्रॉपर्टी, मैम एक बंदे की क्यों नहीं, आप ऐसे शर्मा क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी है, मान लो उसको कुछ हो जाए तो क्या वो यादवास की हो जाएगी? रहेगी तो वो शर्मास की ना, उसकी नहीं तो उसकी वाइफ की, वाइफ की नहीं तो बेटी की, बेटी की नहीं तो माँ की, माँ की नहीं तो बाप की, रहेगी तो शर्मास की। तो हमने कहा शर्माज अगर प्लूरल में आपको गोत्र लिखे मिले तो आपको क्या यूज करना है? द यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस बताइएगा जल्दी बेटा। यादवास हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। यादव, बहुत सारे यादवास हैव प्लूरल, रहे दिल्ली में कई साल, तो हमें किसका यूज करना है? द का यूज करना है, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तुम करो। अच्छा मैं नहीं बताती है ना, मैंने फर्स्ट और सेकंड दो तो बता दिए, अब क्या मैं ही बताती रहूंगी? तुम भी तो कुछ बताओ। आई एम फ्रॉम बंगाल फॉर टीचिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये ठीक है क्या? दाल चौहान तो ठीक है, मुकेश जी, आशीष, राहुल, मनीष, ठीक है क्या? भोला राम जी, थैंक यू सो मच भाई। क्या ये क्या लिख रहे हो? चौहान आज लिख दूं मैम, है एस लगा दूं यहाँ पर, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या है? हैज सिंगुलर एकवचन, हिज सिंगुलर। तो ये एक ही बंदा है, और अगर ये एक ही बंदा है तो क्या मैम एक पर्सन के लिए मिस्टर शर्मा को मैं मिस्टर शर्माज कह रही थी क्या? नहीं, जब तक वो प्लूरल ना के बोले तब तक नहीं, तो मुझे इसमें से द को हटा देना चाहिए। अब हम किसको कह रहे हैं? किसी चौहान की बात हो रही है जो कि एक पर्सन है, और मैं कहूंगी चौहान हैज सोल्ड हिज कार टू द सेलर, तो ये एक चौहान है। ठीक है, मिस्टर चौहान की बात हो रही है यहाँ पर, चौहानाज की बात नहीं हो रही। अगर चौहानाज होता तो यहाँ हैव होता, यहाँ देयर होता, जो कि नहीं है। बताओ कभी भूलोगे? सेकंड कॉन्सेप्ट कि जब हम किसकी बात करते हैं? फैमिलीज में प्लूरल की बात करते हैं। अब अगला केस भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसे डिटर्मिनर का क्वेश्चन बोलते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखो, एक हमारे पास दो सेंटेंस होते, दो वर्ड होते हैं, एक होता है लिटिल, एक होता है फ्यू। अगर जो भी बच्चे अगर पहले से पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी से भी, किसी किताब से भी, भाई हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा। पर फिर से गारंटी देती हूँ, अगले 5 मिनट के बाद ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसकी रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अगले 5 मिनट पूरे कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिए। ठीक है, लिटिल और फ्यू। सबसे पहले लिटिल का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब तो हमें पता है ना अनकाउंटेबल कौन कौन सी नाउन होती है जिन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, जिनका प्लूरल नहीं बन सकता उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के पहले। किससे पहले? काउंटेबल नाउन के। इतना याद करना हो तो मैम मैं कर सकता हूँ, और ये भी, इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। चलो मैं आपको इसका भी ट्रिक बताती हूँ। ठीक है,
एक बात बताओ, लिटिल का स्पेलिंग बड़ा है या फ्यू का स्पेलिंग बड़ा, जल्दी बोलो। लिटिल का बड़ा है, इसमें तो 3 लेटर, इसमें हमारे 6 लेटर, तो 6 बड़े या 3 बड़े? 6 बड़े। अनकाउंटेबल का स्पेलिंग बड़ा या काउंटेबल का स्पेलिंग बड़ा? अनकाउंटेबल का स्पेलिंग बड़ा। आज के बाद भूलोगे लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू काउंटेबल के साथ। भूल जाते हैं यार, ऐसा हो जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीएस में इतनी सारी चीज़ें हैं, पता लगे ये तो याद आ रहा है, पता नहीं लिटल इसके साथ लगता था, फ्यू हो जाता है यार, है ना? ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मिल्क के साथ क्या लगता है, मिल्क के साथ क्या लगता है, मिल्क क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। मिल्क्स नहीं लिखते, मिल्क का मिल्क्स लिखते हो क्या? नहीं लिखते। और अगर नहीं लिखते तो क्या है ये? अनकाउंटेबल है। अब मैं सोचना कि दूध तो मैम गिन सकते हैं, दूध नहीं गिन सकते। दूध के लीटर गिन सकते हो, दूध के किलो गिन सकते हो, दूध नहीं गिन सकते आप, ठीक है? पानी, वाटर का वाटर्स नहीं होता। अगर वाटर का वाटर्स बोलोगे तो समंदर बन जाएगा। वाटर तो मैम गिन सकते हैं आप, ऐसे कुछ तो खुजा रहे होंगे। पानी तो गिनते हो, पानी के ग्लास गिनते हो भाई, पानी नहीं गिनते। पानी किलो गिनते हो, किलो 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, पानी नहीं गिनते। लीटर गिनते हो, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, पानी नहीं गिनते। एक पानी, 5 पानी, 6 पानी कहीं नहीं मिलता मार्केट में, होटल मिलती है, ग्लास मिलते हैं, समझ आ रही बात? तो इसलिए घबराना नहीं है ना। अगर नहीं आता तो फिर मेरी सारी क्लासेस देखो ना, और भी बहुत क्लासेस मेरी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं यार। हाँ जी, ये याद रहेगा, लिटल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। अब अगली बात पे आते हैं भाई, हमें तो ये सीखना है एक्चुअली, हम तो आर्टिकल सिखा रहे हैं। लिटल के साथ ए लग जाता है, द भी लग जाता है, फ्यू के साथ ए भी लग जाता है, द भी लग जाता है। सिखाना तो हमें ये था, पर हम एक अध्यापक हैं तो हमें ये भी सिखाना होगा पहले कि लिटल और अ लिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इनके मीनिंग पे जाऊं तो इसका मतलब भी कम होता है भाई, इसका मतलब भी कम होता है, इसका मतलब भी कम होता है, इन तीनों का मतलब भी कम होता है। लेकिन हमें क्या सपने आएंगे कि कौन सा कम हमें लगाना है? आएंगे, अभी आएंगे, 2 मिनट में सपने आएंगे। देखो, लिटल का प्रयोग जो अकेला लिटल है, कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस कहना चाहते हैं। भाई बोले इतना कम कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। अभी समझाती हूँ, एग्जाम्पल समझाती हूँ। और ये जो अ लिटल है ना, जिसके आगे अ लग जाए, ये फिर भी पॉजिटिव है। बोला है तो कम, पर काम चल जाएगा। भाई वो वाला लिटल जिसमें काम ना चले, काम ना चले, काम नहीं चलेगा मेरा यार, उसे कहते हैं लिटल। और अ लिटल किसे कहते हैं? काम चल जाएगा। है तो कम पर काम चल जाएगा। दूध है तो कम घर में, पर चाय 1 कप तो बनी जाएगी। दूध कम है, चाय नहीं बनेगी। तो भाई जब दूध इतना कम है कि चाय नहीं बनेगी, तो वो लिटल है। ऐसा सेंटेंस डिपेंड करेगा तुम्हें कैसा सेंटेंस बनाना है। अब अगर कहें है तो दूध कम पर तुम्हारी चाय बन जाएगी, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसके लिए कहते हैं अ लिटल, कम लेकिन काम चल जाएगा, कम काम नहीं चलेगा। इतना पानी है बकेट में, इतना कम पानी है बाल्टी में कि मैं नहा नहीं पाऊंगी। बताओ क्या यूज करूं, अ लिटल या लिटल वाटर इन द बकेट डेट आई कांट टेक अ बाथ। जल्दी बोलो क्या यूज करूं मेरे वाले में, अ लिटल वाटर यूज करूं या फिर लिटल वाटर यूज करूं? मैं कह रही हूं मैं नहा नहीं पाऊंगी, आई कांट टेक अ बाथ, क्या यूज करूं? लिटल यूज करूं, है ना? आपने बोला अगर बाल्टी में पानी इतना कम है कि आप नहा नहीं पाएंगे, तो भाई बहुत ही कम है, ना के बराबर है ही नहीं, मतलब फिर तो जिसे कहते हैं लिटल। आगे देखिए, एक ग्लास में पानी है, बोला यार मुझे बहुत प्यास लगी है। बोला पानी तो है ग्लास में, हमने कहा आ लीटर वाटर, वाटर या फिर लिटल वाटर, प्लीज ड्रिंक इट, इसे पी लो यार, है तो थोड़ा ही पर तुम इसे पी सकते हो, यू कैन ड्रिंक इट। है तो मेरे पास थोड़ा ही पानी, मेरी बोतल में थोड़ा ही पानी है, अगर तुझे प्यास लगी है चल तू पी ले। है तो थोड़ा ही पर तू पी ले, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। हमने कहा अ लिटल वाटर इन द ग्लास, अ लिटल वाटर इन द ग्लास, जब तुम पी लो, है ना? जब मैंने कहा मैं नहीं नहा सकती इतना कम है, तो बोले लिटल। तो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पर, नेगेटिव है या पॉजिटिव सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है?
इसी प्रकार बात करते हैं फ्यू और अफ्यू की। मेरी क्लास में भाई, मेरी क्लास में ना, सुनो मेरी बात है ना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरी क्लास में ना 2,500 बच्चे लाइव आते हैं। कभी कभी वो डिपेंड करता है, अच्छी जैसे बच्चे शेयर वगैरह कर देते होंगे तो 3 भी आ जाते हैं, 3.5 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाए, वो डिपेंड करता है वो बच्चों की शेयरिंग पे, बच्चों के प्यार पे। बाकी मैंने कहा चल 2,500 आ जाते हैं, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ है ना ऐसा कि बच्चे आए 10, बच्चे आए 10। कौन कौन आए? सूर्या, प्रिया, मुस्कान, सुमन, राजा, सपना, वर्मा जी और देवदास बाग, ये 10 बच्चे आए। अब मैं क्लास गई, मैंने देखा लाइव की संख्या 10, 10 बच्चे आए। मतलब कि फ्यू या अफ्यू, वो तो तुम बताओगे, अफ्यू या फ्यू स्टूडेंट्स आर इन क्लास, आई हैव टू कैंसल द क्लास। क्लास में इतने कम बच्चे आए हैं, क्लास में फ्यू स्टूडेंट्स हैं, मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। कितने कम आए? नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले के लिए मैंने क्या यूज़ करा? फ्यू। पर इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव दिखाना हो तो, एक दिन मैंने क्लास ली, बच्चे आए भाई मेरे 350। भाई जिसके जिस पर्सन के 2-3 हज़ार लाइव रहते हो, उसके अगर 350 आएंगे, हैं तो कम ना भाई, हैं तो कम। फिर भी मैंने कहा अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इन क्लास, सो है तो कम वैसे दिमाग से, बट आई हैव टू टेक क्लास। क्लास तो लेनी पड़ेगी ना, 350 बच्चे हैं, 350 बच्चे क्या कम होते हैं? मेरी बात सुनिए। तब मैंने क्या यूज करा? अ फ्यू यूज करा। बात समझ में आई? फ्यू का यूज ना के बराबर बच्चे हैं मेरी क्लास में, और द अ फ्यू का मतलब कुछ आए हैं, है ना, कुछ हैं तो कम, लेकिन कम है पर कुछ है, मैं क्लास लूंगी, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं अ फ्यू। बात समझ में आई? लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल। आ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस वही है जो अ फ्यू और फ्यू में है, पर है क्या? फ्यू मतलब बहुत कम, काम नहीं चलेगा। लिटिल मतलब काम नहीं चलेगा इतना कम, पर थोड़ा काम चल जाएगा, उसके लिए कहते हैं अ लिटिल एंड अ फ्यू। आज के बाद गलती करेंगे, समझ में आया? जल्दी से यार, फिर आप मुझे थम्सअप बोलो, फास्ट, थोड़ा फास्ट। फिर मैं फिर आगे तभी पढ़ाऊंगी अगर, क्योंकि अभी एक और बात बाकी है, द लिटल और द फ्यू की बात बाकी है। अब तुम्हें पहले मेरी गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी। ये एक दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, उस दिन तुमने किसी ने भी मेरी क्लास को आगे बढ़ाने का काम नहीं करा था, गलती है तुम्हारी। चलो पेड स्टूडेंट्स का तो ठीक है, वो गुरुदक्षिणा पहले दे के आए हैं, तुमने तो दी नहीं। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब थम्स अप ज्यादा है तो फिर मुझे द लिटल का कॉन्सेप्ट भी सिखाना पड़ेगा। सिखा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे द लिटल क्या होता है तो वो भी कम, पर जितना है उतना सारा। पानी तो कम है तू सारा पी ले, जितना भी इस बोतल में सारा तू पी ले, है तो कम। जितने भी बच्चे उनको पढ़ा ले, हैं तो कम। तो ये जब हम इसको इंडिकेशन दे दें कि जितने भी हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। बेटा वो स्लाइड आगे, एक्चुअली देखो द लिटल और द फ्यू का डिफरेंस देखिए। जब भी आपको सेंटेंस में द फ्यू और द लिटल दिखे, तो आपको पता है एक चीज जरूर दिखेगी कि प्लस नाउन, इस नाउन के लिए यूज होगा या तो द लिटल या फिर द फ्यू। ध्यान से सुनिए, बट द फ्यू और द लिटल तो डेफिनेट होते हैं। अच्छा ये कोई रूल नहीं है, सोच के देखिए। द क्वीन कौन थी? जो क्वीन हमें पता थी। दा गार्डन कौन सा था? जिस गार्डन में वो घूमती थी। दा फ्यू कौन होगा? जरूर इसका कहीं ना कहीं जिक्र होगा। मैं बताती हूँ, ये दा फ्यू ये रहा, डैड से कोई क्लोज मिलेगा। एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने थोड़ा पैसा खर्चा कर दिया। डेट माई फादर गेव मी, जितना भी मेरे पिता ने दिया था। एक बात बताइए, क्या आप मुझे इस दा लिटिल, मैं पूछूं दा यूज हुआ है, इसका मतलब कौन सा पैसा भाई, कौन सा पैसा? मैंने पूछा कौन सा पैसा खर्च कर दिया तूने? बोला कौन सा पैसा? जो मेरे पापा ने दिया था वो पैसा। तो डेट क्लोज मिल गया, और डेट क्लोज मिलते ही आपको सेंटेंस के अंदर ना फ्यू भरना ना अ फ्यू भरना,
द फ्यू भरना, ना लिटिल भरना, अ लिटिल भरना, द लिटिल भरना। मैंने क्या बात बोली, अगर काम नहीं चल रहा तो फ्यू, काम चल जाए तो आ फ्यू। और द फ्यू का जिक्र सिर्फ स्पेसिफाइड केस में होता है जब उस नाउन के बाद कोई ना कोई डैट क्लोज हो। भाई गारंटीड है डैट क्लोज हो, जो ये बताइए द कौन है, क्योंकि द आर्टिकल का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक वो स्पेसिफाइड ना हो। और इसने स्पेसिफाइड बनाया कि भाई जो मेरे पिता ने पैसे दिए थे मैंने वो खर्चा करे हैं। ठीक है जी, बालमुकुंद राज जी, मैम आपकी क्लास कितने बजे तक होती है? बेटा मंडे जो मेरी क्लास होती है, वेंसडे मेरी क्लास होती है, इसके बाद मेरी क्लास फ्राइडे होती है ना, और रात को 9 बजे होती है। वीक में 3 दिन, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 बजे होती है। ठीक है, जो लोग यूट्यूब से क्लासेस लेते हैं उनके लिए हमारा स्केड्यूल है मंडे, सोमवार, बुधवार 9 बजे, मीन्स हम कल नहीं है परसों आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो कई बार होता है नोटिफिकेशन नहीं आता, तो एक बेल का आइकन होता है यार, उसके बिना नहीं आते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा तरीका है कि टेलीग्राम चैनल है मेरा सुमन इंग्लिश भाई, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक आता है, जब लिंक आएगा तो क्लिक कर लो, हो जाएगा काम। बाकी एकदम शेड्यूल में आपकी क्लासेस चलती हैं, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, छुट्टी होती ही नहीं है, तो क्लियर है, आप भी सकते हैं चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए आज के बाद कोई दिक्कत, आ फ्यू द फ्यू में कोई दिक्कत? अच्छा मैं अब आपसे पूछती हूँ, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर मतलब जिसका नाम हो, प्रॉपर नाउन मैं बताती हूँ। मैम प्लीज टेक वन लेक्चर ऑन पैराजम्बल। अच्छा वो बंदे मुझे थैंक यू तो बोल नहीं रहे जिन्होंने मेरे को ये बोला था आर्टिकल पे क्लास ले लीजिए और मैंने आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा दिया, थैंक यू तो तुम बोल नहीं रहे हो। अगले टॉपिक की डिमांड आ गई है, मैम पैराजम्बल पढ़ा दीजिए, पढ़ाएंगे वो तो खैर हम, कोई दिक्कत नहीं। पर वो बंदे कहाँ गए जिन्होंने मेरे को बोला था आर्टिकल पढ़ा दीजिए? आज उनको थैंक यू बोल के जाना है, नहीं बोलना मैम? डेली लेक्चर क्यों नहीं लगाते डेली? बेटा देखो इसमें बुरा मानो या भला मानो, मेरी पेड क्लासेस होती हैं, मैं पेड लेक्चरर भी हूँ, तो जो एप्लीकेशन है मेरी ओशन गुरुकुल्स, तो मेरे पेड लेक्चर चलते हैं उनके लिए भाई, उनकी क्लासेस होती हैं, उनकी क्लासेस को बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो मेरे पास जितना भी समय बनता है 2 साल से मैं यूट्यूब पर यूट्यूब के स्टूडेंट्स को देती आ रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला था, किसी ने तो बोला होगा आर्टिकल पढ़ने के लिए, वो लोग थैंक यू बोलो और अगले टॉपिक की डिमांड आर्टिकल नहीं सॉरी कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। चलो प्रॉपर नाउन, मैं तो प्रॉपर नाउन कहती हूँ, प्रॉपर जिसका नाम प्रॉपर हो भाई, जैसे कि प्रॉपर हरिओम जी हैं, सपना भी प्रॉपर हैं, सूरज, आनंद, अपना अपना नाम लिखो, चलो सब अपनी अपनी जगह का नाम लिखो, प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं ना हम। आप एक प्रॉपर नाउन है, आप जिस शहर से हैं वो एक प्रॉपर नाउन है, और आप जिस राज्य से हैं वो भी तो एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन लिखो यार, प्रॉपर नाउन नहीं बता सकते तुम्हें दिमाग? तुषार मैम, ओके ओके तुषार, ओके रश्मि, देखो मैं लिख देती हूँ किसी किसी के, रश्मि हमारी एक है, एक यहाँ पर हमारी सुनम, विकास लोधी जी हैं, ओके ओके जी, एक सुमित जी हैं, हमें सिर्फ 5 ही चाहिए भाई, 5 कैंडिडेट चाहिए, उसके बाद हमारा बंद हो जाएगा। आयुष, अरे नंबर बहुत सारे हैं बेटा, सबका नहीं लिख पाते हैं ना, क्या करें मजबूरी है, बट समझ लो यार दिल से सबका लिख रहे हैं। एक काजल जी हैं हमारी, ठीक है, तो ये 5ों हैं, ये है हमारी, हमने नाउन रख लिया प्रॉपर नाउन। ठीक है, इनके आगे आर्टिकल लगा दें, कौन सा आर्टिकल लगाएं, ए लगा दें, एन लगा दें, ए एन तो मैम उनके साथ लगता है जिनका प्लूरल बन सकता हो, रश्मीज, कमीज, विकासेज, सुमीत्स, है ना, आयुषेज, काजल्स, इज इट पॉसिबल टू मेक प्लूरल ऑफ योर नेम? No. और अगर आप प्लूरल नहीं बना सकते तो बताओ आर्टिकल लगाते हो? नहीं मैम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम, कैंसल आर्टिकल लगाना, ठीक है। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिनमें प्रॉपर नाउन का ही केस होता है पर आर्टिकल लग जाते हैं। आर्टिकल कैसे लग जाते हैं? पहला केस,
पहला केस है आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है प्रॉपर नाउन के साथ भी जब हम पहले केस में कहें समान बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं, किसी को किसी के इक्वल बता रहे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है मोहन इज आइंस्टीन। भैया मोहन अपनी एक प्रॉपर नाउन, आइंस्टीन अपनी एक प्रॉपर नाउन, और आइंस्टीन हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले का अलग आइंस्टीन, ये ना एक मैन हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ सॉरी, मैं एक टीचर हूँ, मेरी क्लास में एक बच्चा है मोहन, मैं मोहन को कह रही हूँ, मोहन बहुत तेज है पढ़ने में, मोहन को कह रही हूँ तू यार एक आइंस्टीन है, तू एक आइंस्टीन है। हो सकता है मेरे बराबर में दूसरी क्लास चल रही हो, उसमें एक मैडम है, एक एक मास्टर है सत्यम कुमार, वो कह रहे हैं यशपाल तुम एक आइंस्टीन हो, और प्रेम कुमार जी हैं वो ज्योति को कह रहे हैं कि आइंस्टीन है। भाई अपने अपने आइंस्टीन है, सबके अपने अपने आइंस्टीन है, तो हम आइंस्टीन नहीं कह रहे उनको, क्या कह रहे हैं कि तुम आइंस्टीन के बराबर हो, आइंस्टीन के बराबर नहीं तो आइंस्टीन के जैसे हो। तो जब हम कहना चाहते हैं लाइक, जैसे हो, क्या कहा मैंने, जैसे हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। भरिए जरा, मोहन इज एन आइंस्टीन, मोहन इज एन आइंस्टीन मतलब वो आइंस्टीन नहीं है, आइंस्टीन के जैसा है। यू आर आ विराट कोहली, यू आर आ विराट कोहली, तुम एक विराट कोहली हो, इसका मतलब तुम विराट कोहली जैसे हो, तुम आइंस्टीन जैसे हो। नेक्स्ट सेंटेंस में भरना, पंडित गंगाधर इज शक्तिमान। तीसरा भरो, तीसरा, जल्दी यार फास्ट, पंडित गंगाधर इज शक्तिमान, इज और शक्तिमान है ना। पीटर पार्कर, पीटर पार्कर तो पता होगा, स्पाइडरमैन, इज अ स्पाइडरमैन, ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर तुम बेवकूफ हो, गध हो, बेशर्म हो, मैंने ये कहा मोहन और आइंस्टीन अलग अलग हैं, ये मोहन है छोटे से, ये आइंस्टीन जी हैं बालों वाले, तुम ये हो विराट कोहली को सब जानते हैं, ये विराट कोहली, बट पंडित गंगाधर शक्तिमान के समान नहीं थे, शक्तिमान ही पंडित गंगाधर था, तो फिर आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत है, पंडित गंगाधर इज शक्तिमान, समान थे वो, इक्वल थे नहीं, कोई समानता है, कोई कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों बंदे एक ही हैं। पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन का रोल करा है तो वो एक स्पाइडरमैन नहीं है, वो खुद ही स्पाइडरमैन है। मेरी बात समझ में आई, जब आप अलग पर्सन हो और आप जिससे तुलना कर रहे हैं वो अलग है, आप उससे तुलना कर रहे हैं कि आपके गुण उसके जैसे हैं, तो आप आर्टिकल का प्रयोग करिए। पर भैया पंडित गंगाधर और पीटर पार्कर ये स्पाइडरमैन ही है, वो शक्तिमान ही है, ठीक है। तो जब समानता नहीं, आप ही रेणु हो, अब मैंने कहा रमन जी का नाम, एक और नाम है सचिन, तो रमन सचिन है या सचिन की जैसा है, सोचिए। होता है ना आपके घर में कोई कोई नाम होंगे, सब अपने अपने नाम बताइए, घर में आपके कुछ कुछ नाम रख रखे होंगे ना, घर वालों ने रख रखे हैं सबके कुछ कुछ नाम रख रखे होंगे यार घर वालों ने, नहीं रख रखे हैं, जैसे किसी का जलेबी, किसी का गोसा, किसी का समोसा, किसी का हलवा, किसी का चमचा, किसी का बेलन, ऐसे नाम रख रखे हैं ना। तो जिसका नाम हलवा है, जैसे प्रेम इज हलवा, तो प्रेम हलवा ही है, हलवा ही प्रेम है, प्रेम ही हलवा है, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के अंदर ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जहां हम ये नहीं कह रहे कि कालिदास शेक्सपियर के समान है, कालिदास शेक्सपियर इस मोहल्ले के हैं, जब हमने वो मोहल्ला बता दिया तो हम स्पेसिफाइड यूज करते हैं। देखिए कालिदास इज आ शेक्सपियर होता तो बात अलग थी, मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया के शेक्सपियर, ठीक है, कालिदास इज आ शेक्सपियर, ठीक है। सुमित इज एम एस धोनी ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का एम एस धोनी सुमित है, सुमित कौन है, एम एस धोनी है मेरी क्लास का, क्या आपकी क्लास का कोई दूसरा एम एस धोनी होगा, नो, क्या इंडिया का कोई और शेक्सपियर होगा, नो,
बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कालिदास शेक्सपियर हैं इस मोहल्ले के, या दूसरे के कोई और है, तीसरे के और है, नहीं, इंडिया के शेक्सपियर सिर्फ कालिदास हैं। आपकी क्लास का एमएस धोनी कोई और नहीं, सुमित है, इसलिए हमने लगाया द का केस। आज के बाद आप प्रॉपर नाउन के केस को कभी नहीं भूलेंगे, क्या भूलेंगे बता दो? अभी भी भूल जाओगे क्या? हैं, अब तो नहीं भूलोगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बताइए। प्रॉपर नाउन के साथ एक और केस है जहां पर आप एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वैसे प्रॉपर नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, पर प्रॉपर नाउन के साथ भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पहला केस क्या बताया मैंने? जब हमें क्या करनी हो, समानता दिखानी हो। आपका निकनेम क्या है? मेरा निकनेम मैं क्लास के बाद में बताऊंगी, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लूँ उसके बाद बताऊँ, या भी बताऊँ, वरना तो पढ़ोगे नहीं। नितिन बेनीवान जी, खुश, आई एम टू मच लेट। विक्रम, टू मच, टू मच का भी एक आध टू हो ना, वो लेट है तू। क्लियर? अभी बताऊँ? बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पहले पढ़ो फिर बताऊंगी मेरा नेक नेम, ठीक है? देखो भाई, नेहरू जी क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या इनके आर्टिकल नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एक प्रॉपर नाउन से पहले अगर हम उन्हें स्पेसिफाइड बनाने के लिए, स्पेसिफाइड बनाकर, और सिर्फ कौन से नेहरू बोले? इमोर्टल नेहरू। कौन से नेहरू? इमोर्टल नेहरू। उस केस में आप आर्टिकल लगाते हो। ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर तो ठीक है, पर सिकंदर को एक उपाधि दी गई ग्रेट अलेक्जेंडर। ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, तो हम कहेंगे कौन सा अलेक्जेंडर? द ग्रेट अलेक्जेंडर इज द किंग ऑफ मैसिडोनिया। आई हैव नोन द कमल सिंस 1995। इस सेंटेंस को आप ठीक करो। चलो तीसरा सेंटेंस आप ठीक करेंगे, मैं नहीं करूंगी। हाँ सुमी, सुमो, सिमी, बना लो तुम जितने बना सकते हो, पर मैं ये बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे बताइए, तीसरे सेंटेंस को ठीक करना हो तो क्या बताएं? द को क्या करें? आई हैव नोन द कमल सिंस। बेटा कमल एक प्रॉपर नाउन है, क्या इस प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल आपको दिखाई आता है? नहीं आता। और अगर इससे पहले आर्टिकल नहीं, सॉरी, इससे पहले कोई एडजेक्टिव है? नहीं है। कमल के बारे में कोई विशेषता बताई है? नहीं बताई है। और अगर कोई विशेषता नहीं बताई है तो आर्टिकल द को क्यों परेशान करना? शिवानी मेट मेलोडियस लता मंगेशकर। चौथा सेंटेंस ठीक करो। चलो फोर्थ सेंटेंस को ठीक करेंगे। आशु, लाली, प्रवीण, पिंटू, मंजीश, सनी, अंजू, फटाफट यार, वेरी नाइस, फोर्थ सेंटेंस को ठीक करेंगे सब लोग। फोर्थ सेंटेंस को ठीक करेंगे और क्या होगा? द मेलोडियस, क्योंकि लता मंगेशकर प्रॉपर नाउन, मेलोडियस उसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी 1.25 घंटे की हो गई है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर कभी पढ़ेंगे आर्टिकल की क्लास नंबर 2 में। उसका आप वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, जल्द ही लूंगी, ठीक है? अभी पार्ट से हम ऐसा करेंगे, जैसे ना क्या हो रहा है अभी, आपको शायद हो सकता है कि ऐसे क्लासेस नहीं मिलती हो कि एडजेक्टिव की क्लास 1 है 2 है, क्योंकि उसकी हेडिंग भी एडजेक्टिव होती है। अभी जिसने ये क्लास देख ली है तो इसका थंबनेल हम 1 कर देंगे, जैसे क्लास 1, और अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल की क्लास होगी उसका 2 कर देंगे, ठीक है? तो इससे आप थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। पीछे मैंने कॉमेंट्स देखे तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को ना 1 2 क्लासेस ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है, कि जैसे आज आर्टिकल की क्लास हो गई तो अब परसों तो वोकैबुलरी की क्लास होनी है, ठीक है? तो अब अगले वीक मान लो फॉर एग्जांपल आर्टिकल की क्लास होती है तो उसको नंबर 2 दे देंगे हम, ठीक है? ताकि आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 3 जितनी भी क्लासेस हैं वो थोड़ा सीक्वेंस में मिल जाए, ठीक है? क्लास कैसी लगी? क्लास तो मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ने में, और आप लोगों को भी डेफिनेटली आया होगा। मैंने आपको एक चीज़ भी सिखाई आज। क्या सिखाई है? अनकाउंटेबल नाउन की ट्रिक। अब याद है सबको, जिसने पूरी क्लास ली है, एंड में जो भी मैंने अनकाउंटेबल नाउन आपको याद कराई थी, अगर आप 5 5 10 10 भी लिख दो, 10 10 लिख दोगे, मैं जरा देखूं तुम्हें याद रहता है या नहीं। ये पढ़ाई थी ना, एक लंबे बालों वाला, शरारती सा, पैसे वेस्ट करता है, वाइन पीता है, क्लब में जाता है, क्रॉकरी ब्रेकेज कर देता है, फिर एक दिन वो कहीं रहने चला जाता है,
वहाँ आपने बैगेज लगेज रख देता है, फिर कोई पर्सन उसको एडवाइस देता है, बिजनेस की नॉलेज देता है और परमिशन देता है भाई मेरे साथ वर्क कर ले। अब वो काम करने लगा, एक दिन एक न्यूज़ आती है कि उसने बहुत प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि उसने किसकी दुकान खोली, स्टेशनरी की एंड इक्विपमेंट्स की। फिर देखो उसके घर की सीनरी बदल गई, फर्नीचर बदल गया, उसने बाल कटवा के ज्वेलरी पहन ली, क्लब की बजाय पोइट्री करने लगा। अब आप कमेंट सेक्शन में, अभी तो मैं जा रही हूँ, अगले पानी पीकर अगले 3-4 मिनट के अंदर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन वो क्लास ऑफ होने के बाद के पढ़ूंगी, क्योंकि लाइव वाले तो गायब हो जाते हैं। ठीक है, लाइव वाले गायब हो जाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ सकती। अगले 1 मिनट में आपको बाय कहने वाली हूँ, बस हो गया, बाय कहने वाली हूँ। उसके बाद जैसी क्लास ऑफ होती है तो आप इनमें से अगर 10 भी लिख देते हैं तो मेरी मेहनत यहाँ पर साकार हो जाती है, और मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए हर क्लास में लाती रहूँ, ताकि आपके अंदर जो फोबिया है ना, याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, वो निकल जाए। ठीक है जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, आई एम ऑफ नाउ, बाय बाय।